सदियों बाद अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण को लेकर राम भक्तों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। हर कोई राम मंदिर में अपना योगदान देने के लिए आगे आ रहा है। लेकिन आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं त्रेता युग के बाद एक बार फिर माता शबरी से। जिस तरह त्रेता युग में भगवान श्री राम अपने आश्रम में पाकर माता शबरी भावुक हो गई थी, उसी तरह उत्तर प्रदेश के कोसी में रहने वाली बुजुर्ग महिला निधि समर्पण में जुटे कार्यकर्ताओं को देखकर खुशी से खिल उठी और कहा कि मेरे नारायण की कृपा मुझ पर हुई है जो आप यहां पधारे। वैसे तो देश भर में भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण को लेकर भक्तों द्वारा हजारों लाखों और करोड़ों रुपयों का दान किया जा रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश के काशी में एक बुजुर्ग ने जिस तरह से भगवान श्री राम के लिए दान देने में उत्साह दिखाया, ऐसे पल बहुत ही कम आपने देखे होंगे। करीब 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला जो कि ठीक से खड़ी भी नहीं हो पाती और टमटमाती आंखों से बस इसी का इंतजार कर रही थी कि अयोध्या में श्री राम का भव्य मंदिर बने और उसमें संयोग करने का उन्हें भी अवसर मिले। भगवान श्री राम उनकी ये इच्छा पूरी कर दी है। जब श्री राम मंदिर के समर्पण निधि अभियान के तहत रामदूत बुजुर्ग महिला के घर पहुंचे तो वह भावुक हो गई और उनके मुँह से बस यही शब्द निकला कि मेरे नारायण की कृपा मुझ पर हुई है जो आप यहाँ पधारे। आप खुद सुनिए श्री राम भक्त बुजुर्ग महिला ने क्या कहा। जरूरत पड़े तो कभी आपको कोई जरूरत पड़े तो आप कैसी भी दिन रात किसी भी समय हम सभी यहीं रहते हैं। ये राहुल जी हैं, सब आसपास ही रहते हैं माता जी। आप आपकी यहाँ पर दुकान है सुगंध की मिठाई के, सुगंध के नाम से। अच्छा। मैं भी पास में ही रहता हूँ। बहुत बड़ी कृपा करी है और मैं तो करीब मेरा कौन देता है किसके घर, क्यों नहीं है, हम नहीं है। हाँ, अब उन्होंने भेज दिए, उन्होंने हम भी तो राम के दूत ने भेज दिए मेरे नारायण। हम भी तो राम पर बहुत बड़ी कृपा करी है। हम भी तो राम के दूत बन के आए हैं। बहुत बड़ी कृपा करी है मेरे प्रभु ने। मैं तो अपने मन को मार के पहनता हूँ। ये पर्ची है भैया, आपने हमको 2000 रुपये दिए हैं। मैंने कुछ नहीं दिया। ये आप संभाल के रखना, ऐसा राम मंदिर बनेगा आपका। किस्मत में तो है ना, पर टीवी पे तो देख ही लूंगी। आपने देखा था राम जन्मभूमि वाला मोदी जी का कार्यक्रम? देखा, मैंने सारा देखा। मोदी जी का कार्यक्रम था, देखा था भैया। आज मुझ पर भगवान ने इतनी बड़ी कृपा करी, आपने आपको भेज दिया, मेरे नारायण ने आपको भेज दिया। बहुत बहुत मेहरबानी, आप मेरे चरण पड़े आपके बहुत ना बेटा।